दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और आप हमारे साथ हमेशा जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक की जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से मोबाइल में OTG सपोर्ट है और कौन से मोबाइल में OTG सपोर्ट नहीं है। एक भाई ने भी क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि भाई एक ऐसी चीज़ बताओ, कोई ट्रिक बताओ जिससे हम पता लगा सकें कि सैमसंग का हो या हो ज्योमी रेडमी जिसके भी कंपनी का हो उसमें OTG सपोर्ट है या नहीं। तो ये ट्रिक आपके लिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जितनी जल्दी हो सकूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से या हैंड टू हैंड आपके कमेंट बॉक्स में ही। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है आपको कौन सा मोबाइल लेना है। जी हाँ, आपको उस मोबाइल का मॉडल नंबर मालूम होना चाहिए। मॉडल नंबर आपको पता होगा तो आप उस चीज़ के पहुँचने के लिए बहुत ही जल्दी उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ में हम बात करने वाले हैं, मतलब कि कौन से मोबाइल का हमें OTG देखना है। मान लीजिए आप सैमसंग के हैं तो सैमसंग में तो इतने इतने ज़्यादा इसके कंपनी के वो हैं मॉडल्स के, कंपनी को ही शायद नहीं पता होगा कि कंपनी के पास कितने मॉडल्स हैं। अब आप एप्पल को ले लो तो उसमें आईफोन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चले, लेकिन सैमसंग में गैलेक्सी A, कहीं B, C, D, XYZ तक इन्होंने फैला रखे हैं और बहुत सारे मॉडल हैं, मुझे नहीं मालूम। फिलहाल मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप सैमसंग ही नहीं, किसी भी मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि वो मोबाइल, चाहे आप उसे फ्यूचर में लेने वाले हो, अभी तक आपने ले लिया तो कोई बात नहीं, लेने वाले हैं अपने फ्यूचर में लेंगे, उसमें OTG है या नहीं। तो सबसे पहले आपको करना है मॉडल नंबर पता लगाना। मॉडल नंबर पता लगाने के लिए आपको टाइप करना है कंपनी का नाम वेबसाइट पर, उससे आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल है। अगर आपके पास मोबाइल है और उसका मॉडल आपको नंबर नहीं मालूम है, याद हुआ है मतलब, लेकिन मॉडल नंबर एक्यूरेट नहीं मालूम है, तो आप उसकी सेटिंग में जाइए। सेटिंग में आप जाने के बाद सबसे नीचे जब अबाउट डिवाइस ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो उसका डिवाइस का मॉडल नंबर होता है वो आप वहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मॉडल नंबर आपको मिल जाता है तो उसी मॉडल नंबर को आप टाइप करेंगे और गूगल पर विद कंपनी नेम, जो भी कंपनी होगा उसका नाम उसके साथ जो मॉडल नंबर होता है उसको साथ टाइप करके आप GSM अरेना टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप GSM अरेना टाइप करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाती है और यहाँ पर दोस्तों एक USB जो कैमरा फीचर्स होते हैं उसके नीचे एक आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पर USB में आप देखेंगे USB होस्ट लिखा रहता है। जी हाँ, अगर ये वहाँ पर USB होस्ट लिखा है तो आपकी जो OTG सपोर्ट है वो पक्का वहाँ पर काम करेगी, और OTG सपोर्ट है तो OTG उसमें बिल्कुल आप चाहे पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, जो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो मोबाइल से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पर OTG सपोर्ट या USB होस्ट नहीं लिखा है तो फिर दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी आपका जो मोबाइल है उसका हार्डवेयर OTG सपोर्ट नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में आपको यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी मोबाइल लेने से पहले एक बार गूगल पर क्रोम पर सर्च कर लीजिए GSM अरेना के साथ। इस वेबसाइट से आपके जो भी इसके इंटरनल फीचर्स हैं, आउटर फ्रेम फीचर्स हैं, सब कुछ A to Z मिल जाता है और साथ ही साथ OTG के साथ सब कुछ मिल जाता है कि OTG सपोर्ट करेगी या नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको निराशा हासिल नहीं होगी। जल्दी से जल्दी मैं और अच्छा अच्छा इंप्रूवमेंट इस चैनल पर करने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।